मैंने सोचा कि ये रेसिपी मेरी मम्मी के लिए बना लूं। चलो फ्रेंड्स, हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा कप बॉईल किया हुआ मटर, आधा कप काजू, एक बड़ा ऑनियन चॉप किया हुआ, जिंजर, थोड़ा सा चिली, थोड़ा सा गार्लिक, हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून दाना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, जीरा, बेसन का आटा, थोड़े से खड़े मसाले, एक जोड़ी कटी हुई मेथी, हाफ बाउल क्रीम, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी। चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गैस चालू करेंगे, ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, फिर हम ऑनियन डालेंगे। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ऑनियन पिंक ना हो जाए। अभी हम जिंजर डालेंगे, लहसुन डालेंगे, चिली डालेंगे। हमारे चिली और गार्लिक और जिंजर पक गए हैं। अभी हम इसमें काजू डालेंगे। काजू डालने से सब्जी भी बहुत क्रीमी बनती है। हमारा बेस रेडी हो गया है। अभी हम इसको 10 मिनट ठंडा होने देंगे। हमारा बेस ठंडा हो गया है। अभी हम इसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी पेस्ट रेडी हो गई है। ऐसे स्मूथ पेस्ट हमने बनानी है। सेम कढ़ाई में हम मेन ग्रेवी बनाएंगे। अभी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। सबसे पहले जीरा डालेंगे। अभी हम खड़े मसाले डालेंगे। अभी हम इसमें बेसन डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे।